चैंबूर गोविंदी का अस्पताल पिछले कई सालों से प्रशासन की अनदेखी की मार झेल रहा है। इस अस्पताल में सुविधाओं के लिए हर साल बीएमसी करोड़ों का फंड अलॉट करने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां की सुविधाएं केवल कागजों तक ही सीमित है। ये है चैंबूर गोविंदी का शताब्दी अस्पताल, जो सालों से असुविधाओं की मार झेल रहा है। और ये है वो मरीज जो सुविधाओं के लिए तड़प रहे हैं। 15 लाख की आबादी पर यही एक बीएमसी अस्पताल है जो खुद ही बीमार है, जहां मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है। हर रोज मरीजों का यहां तांता लगा रहता है, लेकिन सुविधाएं न मिलने की वजह से वो तड़पते रहते हैं। यकीन न हो तो आप मरीजों की जुबानी सुन लीजिए बदहाल अस्पताल की कहानी। मच्छर बहुत है हॉस्पिटल में, साफ सुथरा नहीं है बराबर, स्टाफ भी बहुत कम है। कभी कभी एक ही डॉक्टर पूरा पेशेंट को चेक करता है, और कैजुअल्टी में भी कभी पेशेंट आया तो उसको एक ही टाइम का गोली मिलता है, मतलब एक समय का एक या दो गोली मिलता है, और बाद में फिर ओपीडी में बुलाते हैं। पेशेंट सीरियस होता है तभी भी डॉक्टर लोग ध्यान नहीं देते हैं। उस दिन मेरी दादी का ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, उन लोग ने ध्यान नहीं दिया। जब ज्यादा हो जाता है तभी बोलते हैं डायरेक्ट साइन जाओ आ जाओ, पर जाने जाने तो लगे कई लोग ऐसे ऑफ हो जाते हैं, इतना मतलब ये है। और ज्यादा करके तो बाहर से दवाइयाँ देते हैं, अंदर कोई भी दवाई देते नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि अस्पताल प्रशासन बात करने से हमेशा कतराता रहता है, क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं सिर्फ कागजी ही हैं। जब इस सिलसिले में स्थानीय पार्षद से जवाब मांगा गया तो उन्होंने पूरा ठीकरा बीएमसी प्रशासन के सिर फोड़ दिया और कहा कि मैं 10 साल से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन से जब अभी ये जवाब मुझे सब आए और हम शुरू करेंगे तो मैं जवाब लेके चुप बैठा हूँ अभी थोड़े दिन के लिए। इसके बाद मैं फिर से शुरू करूंगा, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया है तो कल जाके उनके सर पे बैठूंगा तो मुझे ही बोलेंगे कि चालू है कार्रवाई। तो मैं मुझे सब जवाब आए तो मैं उनको थोड़ा वक्त दूंगा और उसके बाद मेरी कार्रवाई चालू करूंगा, नहीं तो आने वाले दिन में शताब्दी के खिलाफ मैं जन आंदोलन छेड़ूंगा। इस अस्पताल में सुविधाओं की कमी की वजह से मरीजों को साइन अस्पताल में भेजा जाता है, जहां जाते जाते मरीजों की मौत हो जाती है। अब अस्पताल का नाम भी बीएमसी बदल रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि नाम बदलने से क्या इसकी बदहाल तस्वीर बदल पाएगी। जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा बीएमसी तो करती है, लेकिन उसका ये दावा खोखला साबित होता है। ये अस्पताल वर्षों पुराना है, अब सिर्फ जो बदलने जा रहा है वो इसका नाम बदल रहा है, लेकिन यहाँ जो सुविधा मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं। कैमरामैन श्याम मिस्त्री के साथ शमशाद अहमद, सहारा समय, महाराष्ट्र।